पंजाब हरियाणा के तीन ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त कोहरे का प्रकोप तो झेल ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से स्मॉग यहां पर है वो लोगों के जीवन पर आफत बनकर बरप रही है। हरियाणा से सटे देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब होता जा रहा है। इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। हिसार में बस की ट्रक के साथ टक्कर हो जाती है कोहरे की वजह से। गोहाना में भी घना कोहरा छाया हुआ है। रोहतक में 8 वाहनों की एक के बाद एक टक्कर होती है। चंडीगढ़ में स्मॉग का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोहरा तो वहां पर है ही, लेकिन जो पॉल्यूशन था तो पॉल्यूशन और कोहरा मिलकर स्मॉग बन चुके हैं। और दिल्ली का तो शायद कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अधिकतर इलाकों का AQI इस वक्त 400 के पार है और विजिबिलिटी 10 मीटर की भी नहीं है सुबह की औकात में। अगर सुबह का समय आप देखेंगे दिल्ली की सड़कों पर तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर मुश्किल से है। साथ ही साथ प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ना ही सिर्फ गाड़ियों को दिक्कत हो रही है सड़क पर चलने में, बल्कि आम लोगों को भी मुसीबतें यहाँ पर हो रही हैं। चंडीगढ़ में तो बीते 6 दिनों से सूरज नहीं देखने को मिल रहा था, और अब क्योंकि कोहरा भी यहाँ पर छाना शुरू हो गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है, लेकिन उससे पहले कोहरे ने दस्तक दे दी है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहां एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, कर्मचारी वर्ग, ये वो तमाम लोग हैं रोजमर्रा के जो काम करते हैं, रेहड़ी फड़ी वाले, ये वो तमाम लोग हैं जो अब धीरे धीरे से प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ ठंड का कहर देखने को मिलेगा, तो वहीं कोहरे ने पहले ही दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा को अपनी चपेट में ले लिया है। तो अलग अलग इलाकों से, उत्तर भारत के ये अलग अलग इलाके हैं, हिसार, हरियाणा, रोहतक, हरियाणा, गोहाना, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली और NCR का भी यही हाल है, जहां लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण का मिलना इसे स्मॉग का रूप दे रहा है, जहाँ लोगों की जान पर बनाई है। तो हरियाणा से सटे देश की राजधानी दिल्ली में